नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा रिलायबल पैटर्न माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, और ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 13 है। तो आप लोग सभी का मैं वेलकम करता हूँ पार्ट 13 में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक ये आपको जो मैंने आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये इस तरह का एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसमें इसके दो शोल्डर होते हैं, एक ये लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट शोल्डर हमको बोलते हैं, और जो ये सेकंड साइड आप देख रहे हैं इसको हम राइट शोल्डर बोलते हैं। और एक बीच का ये जो प्राइस होता है, ये जो आप समझ लीजिए जो एक हाई लगा हुआ है, ये इन दोनों प्राइस से हाई होगा, इसको हम बोलते हैं हेड। तो ये हमारा, ये देखिए फर्स्ट शोल्डर हो गया लेफ्ट शोल्डर, और यहां से प्राइस जो है, मान लीजिए ये 100 का लेवल है, 100 का लेवल है। इस 100 के लेवल के पास आने के बाद प्राइस ने एक मूव किया 110 तक। 110 जाने के बाद प्राइस अगेन जो है 100 या 99 के लेवल पर फिर आया, और इस टाइम जो है फिर उसने एक बाउंस बैक किया। और इस बार जो इसका बाउंस बैक था वो नियर अबाउट 115 के नियर अबाउट था। ये जो शोल्डर यहां पर हमारा शोल्डर बन गया, जो फर्स्ट हमारा ये हाई लगा ये 110 का था, और ये समझ लीजिए 115 का था। ये अगेन प्राइस जो है सेम लेवल पर आया 100 के लेवल पर, और ये अगेन यहां से जो है ऊपर की तरफ निकलता है, और ये भी नियर अबाउट 109 110 के नियर अबाउट जाके नीचे की तरफ आता है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली होती है कि जो ये रैली होती है, जो ये फर्स्ट रैली होती है, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसमें वॉल्यूम जो होता है ये बाय साइड की तरफ होता है, ये ग्रीन वॉल्यूम होंगे कि मतलब अभी मार्केट में बुलिशनेस है, और जो है बायर जो है अभी खरीदारी करना चाहते हैं। सो यहां पर जो वॉल्यूम होता है ये काफी ज्यादा होता है, बट ये जो सेकंड जो पीक बनता है, जो हेड बनता है, इसमें वॉल्यूम जो है थोड़ा कम हो जाता है, और लास्ट पीक जो यहां पर बनता है इसमें भी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। तो ये इसका जो है समझ लीजिए सबसे मेन पॉइंट होता है, जो लोग ज्यादातर नहीं देखते। उन्होंने सिर्फ क्या देखना है कि यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो गया तो ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है, मेन हमारा देखिए हेड एंड शोल्डर का टोटल जो आप समझ लीजिए टोटल डिपेंड, दिस इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। तो ये सारा हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न डिपेंड होता है वो वॉल्यूम पर डिपेंड होता है। अब देखिए हेड एंड शोल्डर जैसा मैंने आपको ये पिक्चर में दिखा दिया कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं अभी आपको सारे तरीके यहां पर फॉर्म करके दिखाऊंगा, जिससे आपको जो है ज्यादा क्लियर पिक्चर यहां पर दिखाई देगी। तो चलिए मैं आपको पहले यहां पर इसको फॉर्म करके दिखाता हूं कि ये किस तरह से फॉर्म होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम यहां पर फॉर्म करेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहां पर एक रैली होती है, एक इसके लिए सबसे जरूरी है एक अप ट्रेंड। ये नीचे से एक अप ट्रेंड में आ रहा होना चाहिए। ये उप देखिए यहां पर ये एक अप ट्रेंड में आ रहा है। अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस यहां पर कुछ देर के लिए पॉज करता है। पॉज करने के बाद ये जो है नीचे की तरफ एक जो है मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ। यहां पर मान लीजिए ये मूवमेंट हुई, और ये मूवमेंट होने के बाद यहां पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगेन प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकलता है। तो मैं आपको वो बताता हूं, ये देखिए इस तरह से प्राइस मान लीजिए ऊपर की तरफ निकला। अब यहां पर ऊपर जाने के बाद प्राइस में फिर एक रिजेक्शन आती है, और ये फिर जो है सेम लेवल पर इधर आकर रुकता है। ठीक है, अभी यहां से सपोर्ट लिया, जो लास्ट टाइम यहां पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, इस बार भी यहां पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। और ये बाउंस बैक कहां तक करता है, इस तरफ ये बाउंस बैक करता है। और बाउंस बैक करने के बाद जो ये रैली होती है, अब जो ये नीचे की तरफ आएगा, ये रैली बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होती है। मीन्स यहां पर एक मार्केट में लोगों के अंदर एक डर आ जाता है कि मार्केट यहां पर जो है, देखिए अभी यहां तक जो दो पीक बने थे यहां पर किसी को नहीं पता था कि यहां पर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है। बट जब ये रैली जब नीचे की तरफ आती है तो इस रैली में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, और हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक नेकलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं नेकलाइन। अभी देखिए ये हमारा फर्स्ट पीक हो गया,
ये हमारा सेकंड पीक हो गया, ये थर्ड पीक हो गया। तो ये जो फर्स्ट पीक था ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, जो ये सेकंड पीक बना था, सेकंड पीक का जो प्राइस होगा ये फर्स्ट पीक के प्राइस से ऊपर होगा, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा शोल्डर हो गया। अभी देखिए इसमें वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रोल होता है, वॉल्यूम का बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। देखिए एक तो ये तरीका है मार्केट में हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने का, जो मार्केट में हम देखते हैं। सेकंड देखिए मार्केट में हेड एंड शोल्डर आप एक तरह से और यहां पर फॉर्म होता है, मैं आपको वो भी अभी आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए क्या होता है मार्केट में, अब यहां मार्केट में समझ लीजिए एक इस तरह से नीचे से अप ट्रेंड है, ये रैली आई ऊपर नीचे की तरफ से, यहां पर प्राइस पॉज हुआ, पॉज होने के बाद प्राइस ने यहां पर नीचे की तरफ एक मूवमेंट की, अभी प्राइस फिर जो है हेड बनाने के लिए ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये प्राइस हेड बनाने के लिए अभी यहां पर ऊपर की तरफ निकला, अब यहां से प्राइस ने फिर जो है एक नीचे की तरफ इस तरह से मूव लिया, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। यहां से प्राइस फिर यहां पर ऊपर की तरफ किया और प्राइस ने फिर यहां पर जो है एक पॉज किया और यहां पर फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। अब देखिए यहां पर हम जो ट्रेंड लाइन यहां पर जो हमारी ड्रॉ होगी, जो हम ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से ड्रॉ होगी। तो ये देख जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से भी मार्केट में जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हैं, और जो इस तरह के पैटर्न फॉर्म होते हैं दिस इज द मोस्ट रिलायबल देन जो मैंने आपको लास्ट अभी करके दिखाया। ये मतलब यहां पर देखिए क्योंकि प्राइस का मूव ही नीचे की तरफ है, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं जो मैंने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, ये जो नेक लाइन है इसका स्लोप सीधा नहीं है, दिस इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल, ओके। तो ये देखिए इसका स्लोप नीचे की तरफ है, तो ये भी मार्केट में इस तरह से भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हैं। सो आपको जो है देखने का आपको आपकी आंखें जो है इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि मतलब चार्ट में पैटर्न इस तरह के ढूंढ सके। सेकंड मैं आपको और एक करके दिखाऊंगा कि मार्केट में किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो ये देखिए मैं भी इस तरह से, ये देखिए यहां से नीचे एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद मार्केट ने यहां पर पॉज किया, पॉज करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ का रुख किया, उसके बाद फिर मार्केट यहां पर नीचे की तरफ आया और मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया और यहां पर इसने सेकंड शोल्डर अपना कंप्लीट किया। तो यहां पर देखिए जो स्लोप अभी हमारा अभी तक नीचे की तरफ था, अब वो स्लोप हमारा जो है ये ऊपर की तरफ, इस तरह से भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हैं, ओके। तो इस तरह से यहां पर ये मूवमेंट होती है। अभी देखिए आपको आपको यहां पर ये चीज देखनी है कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कौन से होते हैं। देखिए ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको शायद YouTube पर कोई भी ना बताए, जो चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। सो फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूं, यहां पर देखिए जो ये मूवमेंट होती है, जो राइट शोल्डर की जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट काफी फास्ट होती है। तो ये मूवमेंट देखिए हम यहां पर देखिए यहां पर एंट्री ले तो ले बट कई बार ऐसा फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको यहां पर वेट करना चाहिए कि मार्केट जो है इस तरह से नीचे आने के बाद जो है यहां पर एक इस तरह से ये देखिए रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाए, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद जब यहां पर आपको कोई कैंडल मिलता है, कोई बेरिश कैंडल मिलता है, फिर यहां पर जाके आपको एंट्री लेनी है, फिर यहां पर ये आपको इस तरह से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए अभी यहां पर क्वेश्चन आता है कि यहां पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह क्या होना चाहिए। तो देखिए टारगेट जो होता है ये जो हेड बना होता है और ये जो नेक लाइन होती है, इन दोनों के बीच का गैप जो है ये समझ लीजिए आप हमारा टारगेट हो जाता है। ये जितना गैप होगा, मान लीजिए नीचे यहां पर 100 रुपीज है, ऊपर 110 है, तो हमारा ये 10 रुपीज टारगेट हो जाएगा, ओके। स्टॉप लॉस आप जो है इस पीक के जो शोल्डर बना हुआ है शोल्डर के ऊपर रख सकते हैं, और एंट्री मैंने यहां पर आपको बता दिया। देखिए बट यहां पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा मतलब जो हेड एंड शोल्डर मोस्ट रिलायबल पैटर्न होते हैं वो कौन से पैटर्न होते हैं। देखिए ये कई बार ऐसा भी होगा कि ये प्राइस सीधा नीचे की तरफ आ जाए और आपको यहां पर एंट्री ना मिले, कई बार यहां पर इस तरह से भी होगा कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहां तक चला जाए तो आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, रिटेस्ट यहां तक नेकलाइन तक रिटेस्ट ना होके ऊपर की तरफ भी रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। सो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा आपके ट्रेड लेने में। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे अच्छा जो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो कौन सा होता है, वो भी मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए मार्केट यहां से नीचे से ऊपर की तरफ आया, ओके, यहां पर इसने फर्स्ट अपना शोल्डर फर्स्ट शोल्डर यहां पर बनाया इसने, फिर यहां से मार्केट जो है अगेन जो है नीचे की तरफ ये आएगा, ये देखिए
इस तरह से मार्केट फिर यहां पर नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट फिर यहां पर ये देखिए अब इसने अपना हेड बनाया, ठीक है, हेड बनाया, हेड बना के फिर जो है नेक लाइन की तरफ आया। नेक लाइन के पास आने के बाद फिर मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद अभी यहां पर जो है ये कंप्लीट हमारा हेड एंड शोल्डर बन चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहां पर देखिए क्या चाहिए हमको, अगर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाला हमको सिनेरियो चाहिए तो हमको यहां पर क्या देखना है, हमको अब मार्केट यहां पर कुछ देर के लिए मूव करेगा, कुछ देर के लिए इस तरह से ऊपर जाएगा, इस तरह से नीचे आएगा। यहां पर समझ लीजिए एक यहां पर रेक्टेंगल यहां पर एक तैयार होगा, ये देखिए इस तरह से, ओके। तो यहां पर एक रेक्टेंगल तैयार हो रहा है, तो ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत रिलायबल पैटर्न होता है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। सो यहां पर अभी ये देखिए, ठीक है, और सेकंड जो है ये हमारी जो है यहां पर नेकलाइन बन चुकी है, ये हमारी नेकलाइन है, ओके। तो ये अब नेकलाइन के बाद यहां पर जो ब्रेकआउट होगा, यहां जो नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होगा। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं इस ये पैटर्न, क्योंकि देखिए अगर आप यहां पर देखिए जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, अक्सर यहां पर देखा गया है। मान लीजिए अगर आप यहां पर एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए 1000 का स्टॉक है, और यहां पर मान लीजिए आपको यहां पर 990 पर एंट्री मिली, और ये स्टॉप लॉस आपका 50 रुपीज का हो जाएगा, मतलब मींस हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होते हैं उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। सो हम लोग को इस तरह का पैटर्न ढूंढना चाहिए जो मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद जो है एक आगे जो है रेक्टेंगल पैटर्न बनाए। रेक्टेंगल पैटर्न जो बनता है उसका मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं कि उसका बेनिफिट क्या होता है। आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं, जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा, यहां से मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तो आप जो है यहां से ब्रेकआउट करेगा, नीचे की तरफ भी आएगा, मान लीजिए अगर उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए जाता भी है ऊपर की तरफ, तो आप जो है यहां पर आराम से आपका स्टॉप लॉस यहां पर जो है हिट नहीं होगा, और आराम से आप जो है अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए अब हमको कहां पर एंट्री लेनी है, अब हमको यहां पर जो ब्रेकआउट हो गया, या तो आप यहां पर ब्रेकआउट के जो है ये जो रेक्टेंगल पैटर्न जो तैयार हो रहा है, रेक्टेंगल पैटर्न के नीचे आप अपना जो है एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा रिटेस्ट करने दीजिए तब अपना एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस देखिए आपका कितना छोटा सा हो चुका है, अब आप समझ लीजिए आपका स्टॉप लॉस जो है 3 से 4 पॉइंट का या 10 पॉइंट का हो गया, जहां पर आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना था वहां पर आपको अभी सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ओके। तो आपने जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर जो है आपने 50 पॉइंट का जो है प्रॉफिट यहां पर लेने के लिए अभी ट्रेड करने जा रहे हैं, तो यहां पर आपका जो रिस्क रिवार्ड जो रेशियो हो जाता है वो 1:5 का हो जाता है, जो मार्केट में बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। सो अगर आपको इस तरह के पैटर्न मिलते हैं तो आप जरूर ट्रेड करिए हेड एंड शोल्डर में। देखिए मैंने आपको 4 तरह के हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता दिए हैं। फर्स्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जो यहां पर सीधा ही बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह सीधा बनता है। सेकंड जो ऊपर की स्लोप में बनता है, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था, ये ऊपर ये नीचे की स्लोप, सॉरी यहां पर मैंने आपको एक बताया था, ये ऊपर की स्लोप में इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट में ये ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। और सेकंड जो है मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है। अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखे और यहां पर आपको एक रेक्टेंगल चैनल भी दिख जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। सो मतलब ये पैटर्न जो है सबसे अच्छे पैटर्न माने जाते हैं अगर आप इन सब पैटर्नों में ट्रेड करते हैं। तो चलिए अभी जो मैंने आपको ये पैटर्न दिखाया तो इस पैटर्न पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम का मैं आपको इसमें फंडा समझा देता हूं कि वॉल्यूम का इसमें क्या फंडा होता है। देखिए वॉल्यूम का फंडा इसमें होता है, अभी यहां पर बायर फुल बुलिश है, बायर मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर गए भी और यहां पर एक छोटी सी करेक्शन आई, ओके। तो इस ये जो हमारी जो फर्स्ट हमारा जो शोल्डर बन रहा है इस कैंडल में, इस जो है अप ट्रेंड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, ग्रीन वॉल्यूम जो अपसाइड को जाता है वो ग्रीन वॉल्यूम है, तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा कंपेयर टू दिस। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, अभी जब मार्केट यहां पर नीचे आया है तो अभी यहां पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, यहां पर वॉल्यूम कम हो जाएगा,
और यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर जो है वॉल्यूम कुछ कुछ बढ़ने लग जाएगा, रॉट वॉल्यूम। बट अब जब मार्केट अगेन जब यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होगा, बहुत कम वॉल्यूम हो जाता है। ये जो सेकंड शोल्डर जो बनने की जब स्टार्टिंग होती है तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम रह जाता है। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर लोगों को दिखना चालू हो जाता है कि यहां पर अब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है। सो यहां पर अब जिसने यहां पर भी पोजिशन ली है, यहां भी पोजीशन ली है, अब यहां से जब ये प्राइस नीचे की तरफ आता है तो ये बहुत पैनिक सेलिंग होती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इस पॉइंट में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग होती है, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा पैनिक बाइंग होती है और लास्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा पैनिक सेलिंग होती है। तो ये वॉल्यूम का जो फंडा है इसको अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी आप अपने चार्ट में देखते हैं तो इसको जरूर ऐड करिए। विदाउट वॉल्यूम दिस इज नथिंग, ये किसी काम का नहीं है। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं जो जिनको थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देन हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ टेक्निकल इंडिकेटर विद चार्ट पैटर्न डिस्क्राइब बाय थ्री पीक्स, द आउटसाइड टू अ क्लोज इन हाइट एंड द मिडल हाइएस्ट। हेड एंड शोल्डर डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक चार्ट फॉर्मेशन दैट प्रेडिक्ट्स अ बुलिश टू बियरिश ट्रेंड रिवर्सल। हेड एंड शोल्डर इज बिलीव टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो अभी देखिए कि अभी हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न व्हाट हेड एंड शोल्डर टेल अस, तो व्हाट हेड एंड शोल्डर टेल अस हमको क्या बताता है हेड एंड शोल्डर, हमने मतलब चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है वो हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। देन आफ्टर लॉन्ग बुलिश ट्रेंड द प्राइस राइजेस टू ए पीक एंड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंस टू ए फॉर्म ए थ्रू द प्राइस अगेन टू फॉर्म ए सेकेंड हाई, दिस सेकेंड हाई सबस्टेनली अबव द इनिशियल पीक एंड डिक्लाइंस। ओके द प्राइस राइजेज थर्ड टाइम हेयर, जो ये आप देयर यू कैन सी हेयर दिस इज गोइंग फॉर द सेकेंड शोल्डर, द प्राइस राइजेज थर्ड टाइम बट ओनली द लेवल्स ऑफ द फर्स्ट पीक बिफोर डिक्लाइनिंग वंस मोर। ये वंस मोर एक बार और ये नीचे की तरफ आने को तैयार हो जाता है। सो मतलब आपको मतलब ये चीज समझ में आ गई होगी, हेड एंड शोल्डर चार तरीकों से बन सकता है, हेड एंड शोल्डर में क्या वॉल्यूम को हम किस आधार पे देख सकते हैं, वॉल्यूम क्या कैसी वॉल्यूम देखी जाती है, जो है किस पीक में कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, किस पीक में कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए। सो ये आप चीज आप लोगों को पता चल चुकी होगी। तो चलिए मैं आपको जो है अभी कुछ चार्ट पैटर्न में लेके चलता हूं और आपको वहां पर जो है करके दिखाता हूं कि कब कब कौन से स्क्रिप्ट में जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने थे। तो चलिए हम जो है सबसे पहले एसीसी का चार्ट खोल लेते हैं, यहां पर एसीसी का चार्ट है हमने खोल रखा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं, डिलीट करने के बाद फिर अगर मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप जो है इसको एक बार जरूर ड्रॉ करके देखिए अपने चार्ट में जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्ट करेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप यहां पर देखिए एक यहां पर अप ट्रेंड है, जो हमारा जो फर्स्ट रूल जो हेड एंड शोल्डर के लिए जो फर्स्ट रूल हमारा जो कहता है हमको एक अप ट्रेंड चाहिए। सो हमको यहां पर एक अप ट्रेंड मिला हुआ है। सेकंड मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारा जो फर्स्ट शोल्डर बनने जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये इस रैली में हमारा फर्स्ट शोल्डर बनने जा रहा है, आप यहां पर वॉल्यूम देखिए। बिकॉज अभी जो मार्केट में जो बायर है वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि अभी मार्केट में अभी पावर है, मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। देखिए अभी यहां पर मार्केट जो है देखिए कितने अच्छे तरीके से यहां पर ऊपर गई है। ओके अब यहां पर क्या है, यहां पर कुछ बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की। ओके प्रॉफिट बुकिंग की तो हमारे यहां पर जो है फर्स्ट शोल्डर बनकर तैयार हो गया। अभी देखिए अब ये जो सेकंड पीक जो बन रहा है, इस पीक में इतना वॉल्यूम नहीं होगा जितना फर्स्ट है जो है लेफ्ट शोल्डर में जो वॉल्यूम था। जो अभी ये देखिए जो हमारा ये हेड तैयार होने के लिए जा रहा है, ये देखिए हेड, ये जो हेड हमारा तैयार होने के लिए यहां पर निकला है। अब इस रैली में देखिए, इस रैली में इतना वॉल्यूम नहीं है जितना वॉल्यूम इस रैली में था। ओके आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इस रैली में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, इस रैली में आकर वॉल्यूम कम हो जाता है। ओके उसके बाद यहां पर प्राइस जो है फिर जो है नीचे की तरफ अब मूव करता है। अब मार्केट में जो है जो बायर हैं वो अलर्ट हो रहे हैं
अलर्ट हो रहे हैं कि अब जो है यहां पर दो पीक बन चुका है। आप देखेंगे अगर हम तो यहां पर एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये फॉर्मेशन बन रहा है। अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर फिर इस हाई को ब्रेक करता है तो ये हायर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होगा, ये एक हाई ये प्राइस एक्शन में आ जाएगा। ओके सो अभी हमको मार्केट ने देखिए यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर जो बायर है देखिए बिल्कुल ही कमजोर पड़ चुके हैं, यहां बायर देखिए बिल्कुल कमजोर पड़ चुके हैं। और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट एक ग्रीन कैंडल बन रही है एक रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है एक रेड कैंडल बन रही है। सो अब जो है मार्केट में जो है अनसर्टेनिटी है। सो मार्केट में अभी लोग डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि मार्केट को नीचे लेके जाना है। जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको तो अभी कुछ नहीं पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, बिकॉज देखिए यहां पर जो है प्राइस एक्शन की तरह मार्केट चल रही थी। फर्स्ट एक पीक बना सेकंड पीक बना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, अगर ये हाई जो है इस हाई को क्रॉस करता तब ये प्राइस एक्शन की क्लास में आ जाता। बट अभी यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है सेकंड, मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए जो मैं आपको रूल बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो रैली है इस रैली में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए कंपेयर टू दिस ओके। और ये जो रैली जो नीचे की तरफ अब होने वाली है इस रैली में वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, कैंडल भी बड़ी बड़ी बननी चाहिए ओके। अब यहां पर आप देखिए कि कैंडल यहां पर कितनी बड़ी बड़ी कैंडल यहां पर बन रही है, बड़ी कैंडल भी हो और वॉल्यूम भी अच्छा हो तो यहां पर देखिए डायरेक्ट यहां पर कोई रिटेस्ट भी नहीं हुआ और मार्केट ने यहां पर ये देखिए अब देखिए ये हमारा जो है लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर है और ये हमारा हेड है ओके। तो और ये हमारी जो है जो कि मैंने यहां पर नीचे ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको मैं येलो कलर कर देता हूं, इसको हम कहते हैं नेक लाइन, ये हमारे लिए नेक लाइन का काम करती है, एक सपोर्ट का काम करती है। तो ये हमारी नेक लाइन होती है ओके। तो चलिए आइए अभी हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास कितना टारगेट क्या होना चाहिए। अब टारगेट हमारे पास ये है कि ये जो हेड का जो जो गैप है जो नेक लाइन और हेड का जो पीक बना हुआ है ये जितना गैप होगा, मान लीजिए ऊपर आपका 1315 रुपए है और नीचे आपका जो है 980 है तो ये 1300 समथिंग ये आपका जो है टारगेट होगा। और यहां पर देखिए यहां पर आपका स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए ठीक है, अगर आप यहां पर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए। सेकंड जो है अगर यहां पर कोई स्विंग हाई बनता है, जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि एक स्विंग हाई यहां पर बना हुआ है, अगर मैं इसको ये यहां पर करूं यहां पर एक स्विंग हाई बना हुआ है, आप इसके ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट ये जो है मतलब देखिए आपको मतलब रिलायबल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है बिकॉज यहां पर जा सकता है रिटेस्ट करने के लिए। सो देखिए अब यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। सो यहां पर आपकी अगर ये देखिए ये नीचे से आके ऊपर रिटेस्ट करने जाता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप जो है चाहे तो यहां पर एंट्री ले सकते हैं। सॉरी पहले मैं इसको इस तरह से कर दूं, पहले चलिए अभी आइए अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी ये रैली कितनी थी। ये रैली जो है यहां से लेकर के यहां तक ये है 336 पॉइंट्स ओके तो ये 336 पॉइंट का हमारा यहां पर टारगेट होना चाहिए। और यहां पर हम चलिए देखते हैं हमारा यहां पर टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो 336 पॉइंट से मैं इसको मेजर ले लेता हूं, 336 पॉइंट से ये हमारा लो लगा हुआ है 364 पॉइंट, तो यहां पर टारगेट हमारा जो है बहुत अच्छे से अचीव हो गया। तो इस तरह से आपको जो है अपने चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है सर्च करना है, उसको ड्रॉ करना है और सारा गेम ये वॉल्यूम पर डिपेंड होता है, आपने वॉल्यूम को इसमें ऐड करके जरूर देखना है। चलिए मैं आपको जो है आपको एक स्टॉक में और दिखाता हूं, पिरामल एंटरप्राइजेस में ये जो है फॉर्म हुआ था। तो ये देखिए मैंने पिरामल एंटरप्राइजेस का मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है। अब यहां पर देखिए जो चीज मैंने बताई थी आपको, यहां पर आपको एक अप ट्रेंड चाहिए यहां से नीचे की, आप देख सकते हैं रैली देख सकते हैं। इस रैली में भी देखिए वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा यहां पर लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए फर्स्ट यहां पर शोल्डर बना, यहां पर देखिए ये फर्स्ट शोल्डर है आपका ओके।
अब यहां पर प्राइस नीचे की तरफ आया। अब ये देखिए प्राइस यहां पर अगेन जो है ऊपर की तरफ गया है, फिर ये प्राइस जो है नेक लाइन पर रिटेस्ट करने के लिए आया है। अब ये जो देखिए, अब हमको देखिए जो मेन पॉइंट जो है हमारा, जब हमारा जो है राइट शोल्डर जब बनेगा तो राइट शोल्डर में जो है कैंडल का साइज भी अच्छा होना चाहिए और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी आप यहां पर देखिए, यहां वॉल्यूम देखिए कितना लगा हुआ है, ये देखिए कंपेयर टू, अगर आप यहां पर पीछे की 8 10 15 कैंडले देखेंगे तो ये इन सभी कैंडलों से सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर लगा हुआ है। और यहां पर तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि टारगेट यहां पर हमारा अचीव हुआ कि नहीं हुआ। सो आप तो मतलब यहां पर खुद देख सकते हैं कि टारगेट यहां पर बहुत इजिली अचीव हो चुका है। सो देखिए आपको इस कैंडल, ये जो रैली होगी, जो लास्ट टाइम यहां पर जो रैली होगी, ये रैली बहुत जो है एग्रेसिव रैली होती है। यहां पर जितनी पोजीशन होती है यहां पर सारी पोजीशन स्क्वायर अप होती हैं। ओके, तो यहां पर देखिए आप सिंपल सा आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख के, आपका स्टॉप लॉस होता 2736 और आपकी एंट्री यहां पर हो सकती थी। ये देखिए जैसे ये कैंडल आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको यहां पर इसमें एंट्री लेने का तरीका बता देता हूं। जैसे ये देखिए आपने ये कैंडल देखा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ओके, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहां पर रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गया। जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका जो है लो लगा 2525 रुपए, 2525। अब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए अगेन ये जो गया हुआ है उसका जो है हाई लगा हुआ है 2600, मतलब 75 रुपीज का जो है उसने रीटेस्ट किया। ओके, तो मतलब आपका ये 75 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बन सकता था और आपका जो टारगेट है वो 2800 और नीचे है नियर अबाउट 2550। तो देखिए 75 रुपए का आप जो है स्टॉप लॉस रखकर यहां पर 150 पॉइंट का यहां पर टारगेट है। तो देखिए आपको सिंपल सी एक मैं बात बता देता हूं कि आप इस तरह से टारगेट जो है अगर ना बुक करें तो ठीक है, आप टारगेट ट्रेल करना सीखें। अगर आप ट्रेल करना सीख गए टारगेट तो वो बहुत अच्छा होता है। ट्रेल में क्या होता है, देखिए आप 1:2 भी ले सकते हैं, 1:5 भी ले सकते हैं और 1:10 भी ले सकते हैं। सो जो है इस पैटर्न को जरूर ड्रॉ करके करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सेकंड जो है, अगर आप जो है हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अलाइस ब्लू का, अलाइस ब्लू में जाके आप अपना अकाउंट खोलिए, मैं जो है उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सेकंड जो है, जो भी हमारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर लगन है कि हाँ मैंने सीखना है, तो आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर जाकर देखिए। मैंने वहां पर जो चार्ट मैंने पोस्ट करता रहता हूं, बहुत नॉलेजेबल चीजें वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। सो आप वहां पर जाकर चार्ट ड्रॉ करना, मैंने किस तरह से ड्रॉ किए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जो है मतलब एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करिएगा, अगर पसंद आए तो ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।